गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स स्टूडेंट्स हमने अपने प्रीवियस वीडियो में इंटीजर्स नेगेटिव इंटीजर पॉजिटिव इंटीजर एब्सोल्यूट वैल्यू एडिटिव इनवर्स क्या होता है उसके बारे में डिस्कस किया था। तो आज हम एक्सरसाइज क्लास सेवन्थ के एक्सरसाइज 1A है उसका फर्स्ट और सेकेंड सम करते हैं। स्टूडेंट्स फर्स्ट सम है फिल इन द ब्लैंक्स, आपको फिलअप करना है। फर्स्ट का ए पार्ट है द ग्रेटेस्ट नेगेटिव इंटीजर इज, यानी ग्रेटेस्ट नेगेटिव इंटीजर क्या होता है, ग्रेटेस्ट मतलब सबसे बड़ा नेगेटिव इंटीजर क्या होता है। तो इंटीजर्स हैं, नेगेटिव इंटीजर कौन से होते हैं, -4, -3 यानी -5, यानी जो भी हम नंबर काउंटिंग लिखते हैं उनके आगे माइनस का साइन करते हैं, -2, -1, ये नेगेटिव इंटीजर्स होते हैं। तो ग्रेटेस्ट नेगेटिव इंटीजर सबसे बड़ा इंटीजर कौन सा है, इसमें -1, क्योंकि नेगेटिव में वैल्यू जो वैल्यू बड़ी होती है वो छोटी होती है और जो छोटी होती है वो बड़ी होती है। वैसे 5 बड़ा है पर इसके आगे नेगेटिव का साइन लग गया, ये छोटा बन गया सबसे। -5 से बड़ा -4, -4 से बड़ा -3, -2, -3 से बड़ा -2 और -2 से ग्रेटर है -1, यानी ग्रेटेस्ट नेगेटिव इंटीजर क्या है, -1। बी है 0 is greater than every, इनके बाद में क्या आता है, 0 उसके बाद हम 1 राइट करते हैं, उसके बाद 2 राइट करते हैं। 0 is greater than 0 किससे बड़ा होगा, अब पॉजिटिव वैल्यू से तो बड़ा हो नहीं सकता, 0 किससे बड़ा होगा, नेगेटिव इंटीजर से। तो 0 is greater than every negative integers। सी पार्ट स्टूडेंट्स द एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ एन इंटीजर इज आइदर, सबसे पहले तो हम एब्सोल्यूट वैल्यू, मैंने कल आपको एब्सोल्यूट वैल्यू के बारे में बताया था कि व्हाट इज एब्सोल्यूट वैल्यू। एब्सोल्यूट वैल्यू क्या होती है, दो लाइनें लगी होती हैं, इनको हम मोड बोलते हैं। इन मोड के अंदर एक वैल्यू राइट, वैल्यू राइट की होती है, जैसे मैंने लिख दी -9 राइट कर दिया, इसके एब्सोल्यूट वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो आपने क्या करना है, ओनली इसकी न्यूमेरिकल वैल्यू लिखनी है, यानी इसकी एब्सोल्यूट वैल्यू क्या आएगी, 9। अगर प्लस का 9 है स्टूडेंट्स, मोड के अंदर प्लस का 9 है तो भी क्या आएगी, 9, यानी ओनली न्यूमेरिकल वैल्यू ही इसके बाहर राइट की जाएगी, वही होगी एब्सोल्यूट वैल्यू। तो अब इसमें देखो, एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ एन इंटीजर इज आइदर, या तो क्या होगी, अब 9 है, प्लस का 9 है या 9 है, बात तो एक ही है ना, या तो इसके इक्वल होगी या माइनस का 9 है। अब यहां माइनस का 9 है और यहां प्लस का 9 है, तो इस माइनस के 9 से ये 9 है वो बड़ा है, तो इस आइदर या तो इसकी क्या आ रही है, दोनों इक्वल है, तो यहां पे क्या आ जाएगा, इक्वल, आइदर इक्वल और माइनस 9 से ये क्या है, ये ग्रेटर है, ये और ग्रेटर देन दी इंटीजर्स, यानी कोई भी आप एब्सोल्यूट वैल्यू फाइंड आउट करोगे, प्लस का है तो उसका डायरेक्ट 9 बाहर आ जाएगा, माइनस का है तो साइन माइनस का इग्नोर कर दोगे, 9 लिखोगे, तो माइनस वाली से वैल्यू हमेशा जो बाहर आएगी वो बड़ी होगी, प्लस का है वो प्लस की ही रहेगी बाहर, क्योंकि प्लस का साइन हम कई बार लगाते भी नहीं है, प्लस का बिना साइन लगाते भी हो जाता है। तो एब्सोल्यूट वैल्यू है वो एन इंटीजर इज आइदर, या तो वो इक्वल होगी या क्या होगी, ग्रेटर देन इंटीजर, बट नेवर लेस देन द इंटीजर, बट कभी भी वो लेस नहीं हो सकती, कम नहीं हो सकती। देखो या माइनस 9 से ये 9 कम नहीं है, इस 9 से ये 9 कम नहीं है, तो नेवर लेस देन द इंटीजर, उस इंटीजर से कम नहीं होगी। उसके बाद में द सक्सेसर ऑफ -91 का सक्सेसर, सक्सेसर फाइंड आउट करने के लिए क्या होता है, क्या करना होता है सक्सेसर फाइंड आउट करने के लिए, ऐड करना होता है +1, यानी -19 +1, एक जब साइन माइनस का एक प्लस का हो तो हमेशा क्या करना होगा, माइनस, तो 91 में से माइनस करेंगे कितना आ जाएगा, 90, वैल्यू बड़ी कौन सी है, 91, साइन किसका है, माइनस का, तो क्या आएगा, माइनस का 90। प्रीडिसेसर ऑफ -380, इसका प्रीडिसेसर में 1 माइनस करना है हमने, सक्सेसर में +1 करना होता है, प्रीडिसेसर में माइनस करना होता है, -380 माइनस का 1, माइनस माइनस क्या होते हैं प्लस, यानी 380 और 1 क्या हो जाएगा, 381 और साइन किसका आएगा, माइनस का, तो इसका आंसर क्या आएगा, माइनस का 381। इसके बाद स्टूडेंट्स कंपेयर करना है इंटीजर्स को, -8 और -18 में से कौन सी वैल्यू ग्रेटर है या कौन सी वैल्यू लेस है। अब नेगेटिव में जो वैल्यू बड़ी होती है वो क्या हो जाती है, छोटी, वैसे तो 18 बड़ा है तो ये क्या हो जाएगी, छोटी, तो इसमें से कौन सा कैपिटल हो जाएगा, यानी कौन सा ग्रेटर हो जाएगा, माइनस का 8। -4 और 0 में से
बड़ा कौन सा है, अभी हमने किया ना, जीरो इज ग्रेटर देन एवरी नेगेटिव इंटीजर, हर नेगेटिव इंटीजर से जीरो क्या होता है, ग्रेटर होता है। इसी तरह से माइनस 357 या माइनस का 537, इसमें से कौन सी वैल्यू ग्रेटर है या कौन सी लेस है, तो इसमें से कौन सी ग्रेटर है, ये वाली, इसकी तरफ सिंपल आ जाएगी। माइनस 71 और पॉजिटिव वैल्यू है 17, तो पॉजिटिव वैल्यू हमेशा नेगेटिव से बड़ी होती है, तो 17 है वो ग्रेटर होता है। इसके बाद में स्टूडेंट्स हम थर्ड और फोर्थ दो सम और करते हैं। तो स्टूडेंट्स थर्ड सम देखो, राइट द पेयर ऑफ इंटीजर हुज सम, हमने एक इंटीजर्स का पेयर लेना है हुज सम, उनका अगर हम प्लस करें ऐड करें तो इज एन इंटीजर स्मॉलर देन द बोथ द इंटीजर, यानी जो भी हम दो इंटीजर लेट करके चलेंगे, दो भी इंटीजर लेके चलेंगे उनको अगर हम ऐड करें, उन दोनों को ऐड करें, ऐड करने के बाद में अगर उनका आंसर आता है वो उनसे स्मॉलर आना चाहिए, स्मॉलर देन आना चाहिए। तो स्टूडेंट्स हम दो इंटीजर लेते हैं, मान लो हमने दो इंटीजर ले लिए, माइनस का 5 और माइनस का 3। अब हम इन दोनों को क्या करेंगे, ऐड करेंगे, माइनस 5 माइनस 3 कितना हो जाएगा, माइनस का 8। अब इन दोनों इंटीजर से जो माइनस का 8 है वो क्या है, स्मॉलर है, क्योंकि माइनस 5 और माइनस 8 को अगर कंपेयर करते हैं तो माइनस का 5 कैपिटल है यानी ग्रेटर है, माइनस 3 और माइनस 8 को कंपेयर करते हैं तो माइनस का 3 ग्रेटर है, यानी ए पेयर ऑफ इंटीजर हुज सम इज इंटीजर स्मॉलर देन बोथ द इंटीजर, इन दोनों इंटीजर से ये क्या आ रहा है, स्मॉलर आ रहा है। तो आप इसी तरह से कुछ और एग्जांपल भी लेके इस सम को कर सकते हैं। सेकंड है पेयर ऑफ इंटीजर हुज सम इज एन इंटीजर स्मॉलर देन ओनली वन ऑफ द इंटीजर, एक ही इंटीजर से वो स्मॉलर आना चाहिए, जैसे माइनस का 5 और प्लस का 3 ले लिया हमने, एक ही इंटीजर से वो वैल्यू छोटी आनी चाहिए, तो इन दोनों को सम करेंगे ऐड करेंगे, माइनस 5 प्लस 3 कितना आएगा, माइनस का 2। अब माइनस का 2 माइनस 5 से क्या है, ग्रेटर है, और 3 से क्या है, स्मॉलर है। माइनस 5 से तो ग्रेटर है यानी 1 से तो ये बड़ा रहा है और 1 से ये क्या रहा है, छोटा रहा है। तो इसी तरह से आप कुछ और एग्जांपल लेके अपनी तरफ से सम कर सकते हो। इसी तरह से सी पार्ट देखो आगे, इज एन इंटीजर ग्रेटर देन बोथ द इंटीजर, दोनों ही इंटीजर से वो आंसर है यानी उन दोनों का प्लस करें क्या आना चाहिए, ग्रेटर आना चाहिए, जैसे 7 और 8 ये लेते हैं, 7 प्लस 8 ऐड करेंगे कितना आएगा, 15, 15 7 से ग्रेटर है 8 से भी ग्रेटर है, तो ये क्या हो जाएगा, 7 और 8 हम दो इंटीजर ले लेंगे तो इनसे ये वैल्यू क्या आ जाएगी, ग्रेटर आ जाएगी। इसी तरह से आप अपनी भी तरफ से कुछ और एग्जांपल राइट करके लिख सकते हैं। तो स्टूडेंट्स आपने एक्सरसाइज 1A के फर्स्ट सेकंड और थर्ड सम है वो अपनी नोटबुक में राइट करनी है। थैंक यू।